आतंकी, आपको बता दें पुंछ में सेना ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। पुंछ इलाके में रात में आतंकियों के ग्रुप के सीमा के अंदर आने की यह जानकारी मिलती है और सेना ने उन्हें तत्काल घेरा, जोरदार फायरिंग की गई। कुछ आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, जबकि इस मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद भी हो गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर को आतंकी संगठन दहलाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनके नापाक मंसूबों पर सेना के जवान पानी फेर दे रहे हैं। आतंकी कभी जम्मू तो कभी कश्मीर में दहशत फैलाने की फिराक में हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे वो बार बार विफल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के बट्टल सेक्टर, वक्त देर रात 3 बजे, यही वो समय था जब 2 से 3 घुसपैठिए इलाके में घुसते नजर आए, जो मौका पाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन गश्त कर रहे सुरक्षा बलों ने उनकी मंशा को भांपकर उन पर हमला कर दिया। खुद पर सेना की गोली बरसते देख आतंकियों ने भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें सेना का एक जवान जख्मी हो गया तो वही आतंकियों को भी गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि वही घुसपैठिए हैं जिन्हें जुलाई के दूसरे हफ्ते में कोटली इलाके में देखा गया था। पुंछ जिले के कृष्ण घाटी सेक्टर में भारतीय सेना ने आतंकी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। 3 आतंकियों का समूह भारतीय सरजमी पर देर रात तकरीबन 3 बजे घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को गोली लगी है। बताया जाता है कि भारतीय सेना का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी में आज भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही है। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सोमवार को एक ही वक्त पर 2 जगह अटैक किया था, जिसमें एक शौर्य चक्र से सम्मानित ग्राम रक्षा समिति के सदस्य परशुत्तम कुमार के घर हमले के अलावा सेना के कैंप पर फायरिंग की थी, जिसमें सेना का एक जवान और एक आम नागरिक जख्मी हो गए। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवार्डी परशुत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे ये आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवार्डी परशुत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले के बाद हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है, हर किसी की तलाशी ली जा रही है। ख्वास का इलाका घने जंगल से घिरा है, लिहाजा यहां सर्च ऑपरेशन में दिन ढलते ही परेशानी आ रही है। घने कोहरे की वजह से पहाड़ियों पर विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से ड्रोन और हेली ऑपरेशन में सुबह से ही दिक्कत आ रही है, लेकिन देर रात तकरीबन 6-7 बजे तक ही यहां पर ऑपरेशन चल पाता है। उसके बाद घना कोहरा और अंधेरा एक बार फिर से इस इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतियां बढ़ जाती है। ये वही जम्मू संभाग में हिस्सा आता है जिसपे 51 भारतीय सैनिक जो है वो पिछले 3 साल में शहीद हुए हैं, और आतंकी अभी भी इस इलाके में एक्टिव है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी आतंकी अपने आकाओं के आदेश पर बार बार देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की रक्षा में मुस्तैद जवान हर बार उन्हें पटखनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, लगातार कायराना करतूत आतंकी अंजाम दे रहे हैं, दूसरी ओर सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है और एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल उठता यही नजर आ रहा है कि आतंकिस्तान पर क्या स्ट्राइक की रास्ता है? देखिए, लगातार जो है ऑपरेशंस जारी हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को खत्म किया जाए, क्योंकि अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि ये पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सरजमी पर घुस चुके हैं। बात आए चाहे आप ख्वास की करें, रियासी की करें, या फिर कठुआ से लेकर किश्तवाड़ की करें, या उधमपुर के ऊपरी इलाकों की करें, हर जगह पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ इन आतंकियों ने क्या किया है, घने जंगलों को अपना गढ़ बनाया है। मैं एक बार सरजीवन से कहूंगा कि इस वक्त यहां धूप खिली हुई है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके के ऊपर का इलाका देखेंगे, सरजीवन
जीवन अगर आपको विजुअल्स दिखाएं तो घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यानी कि जैसे ही आप पहाड़ों पर आतंकी चढ़ जाएंगे, पहाड़ों की चोटियों पर बैठ जाएंगे, तो वहां पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि घना कोहरा जो है उसने पूरे इलाके को घेर रखा है। यहां पर नीचे धूप है लेकिन ऊपर पूरा कोहरा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ साथ इन आतंकियों को हाइडआउट्स का पता है, इन आतंकियों को गुफाओं का पता है जिनका इस्तेमाल इन्हें छिपने के लिए करना है। इसके साथ साथ इन आतंकियों को इस बात का भी पता है कि कौन सा ओवरग्राउंड वर्कर इनके कब काम आ सकता है। वो देश के गद्दार जो देश में मौजूद हैं, आतंकियों की मदद कर रहे हैं, वो आतंक के लिए एक बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये भी है सुरक्षा बलों के लिए कि आतंकी जो हैं वो एक बार अटैक करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। इस बार भी आतंकियों ने एक नया मॉडस ऑपरेंडी निकाला है, कोऑर्डिनेटेड एम्बुश अटैक। ना सिर्फ एक जगह अटैक बल्कि दो जगह एक साथ अटैक होगा। एक अटैक भारतीय सेना के कैंप पर होगा और दूसरा एक और जगह पर होगा। वो किसी सिविलियन का घर हो सकती है, वो सेना की कॉन्वाई हो सकती है, ताकि री इन्फोर्समेंट ना पहुंच सके। तो अब चुनौतियां जो है वो बढ़ रही हैं। इन लोगों के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, चाहे M4 राइफल की बात करें, स्टील कोर बुलेट्स की बात करें, ग्रेनेड्स की बात करें, तो ये पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो है इक्विप्ड भेजे गए हैं जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू संभाग में हालात जो है वो खराब किए जाएं। और जिस तरह से आज सुबह हमने देखा कि घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में नाकाम किया गया, वो भी ये दर्शाता है कि पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। लगातार घुसपैठ भारतीय सरजमीं पर करवाई जा रही है। भारतीय सेना के एक जाबाज ने आज भी अपनी शहादत दी है देश की एकता को और संप्रभुता को अखंड रखने के लिए। बिल्कुल, तो गुरसिमरन की रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी कि किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर बताया, और नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमने कहा कि अब बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है, हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे पूरा हाल था बदल गया। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था तो सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को, जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। सभी तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब का लोग राज्य का दर्जा जो मांग है, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया।